अब हमारे यहाँ का भाई फर्जी है, ब्रह्मा फर्जी कहाँ मृतक वाला फर्जी है। अच्छा ब्रह्मा मर गए हैं क्या? हाँ उसमें से जो है रियल में पांच से सात लोगों का पांच से सात लोगों का पूरा गांव वो एक महीना चक्कर लगाने के बाद गिरा है, एक महीना चक्कर लगाने के बाद गिरा है। नहीं तो एक सेंटर का है अभी धान भर ना धान भर तो होता नहीं। अच्छा और जितेंद्र बताओ लोगों जगह खेत ज्यादा हो दोस्तों। ये तो गजब हो गया, गोरखपुर के इतिहास में शायद ही कभी इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ हो, ऐसा फ्रेम ऐसी जालसाजी शायद ही कभी हुआ हो। आज जो सच हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर बड़े बड़े दावे करने वाले लोग शर्म से सिर झुका लेंगे। फिलहाल हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। धरती की कोख को चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसानों को लेकर हर सरकार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार किसी की भी रही हो किसानों के साथ हमेशा फरेब ही होता है। अक्टूबर महीने में धान खरीद में गड़बड़ी की शिकायत पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शक्ति दिखाया उससे तो यही लगा कि यूपी में अब शायद ही कोई धान खरीद में गड़बड़ी करने की हिम्मत कर पाएगा। लेकिन जब 100-100 रुपए में अफसरों के ईमान बिकने लगते हैं तो उसका हश्र क्या होता है जरा आप भी देखिए। यही तो लिखा है, ब्रह्मा ग्राम हेमदापुर तहसील सदर जिला गोरखपुर। अब हमारे यहाँ का भाई फर्जी है, ब्रह्मा फर्जी कहाँ मृतक वाला फर्जी है। अच्छा ब्रह्मा मर गए हैं क्या? हाँ हेमदापुर है, ग्राम हेमदापुर परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर, यही है ना? हमारे हेमेली वाले देख लिया जा एक सही माना जी का। अरे नहीं मतलब हो जाए आपके गांव में 80-100 कुंटल वाले नहीं है ना? पांच से सात तो एक सेंटर का है, अभी दूसरे सेंटर सुनेंगे तो और आपके हो सेंटर का है। ये है उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ की पिपराई शाखा का है और इसी की दूसरी शाखा है। इसमें तो समझ लीजिए हमारे यहाँ का धान ही नहीं जाता, एक तो जवन बिगल में मंडी पर लेके आया बेला सारा इसे जो है कि फर्जी है। हाँ फर्जी है, कानूनी कार्रवाई कराइए आप। हम आपके गांव के ब्रह्मा जो है 86 कुंटल धान बेचे। ब्रह्मा तो मृतक मृतक है, मीरा है 14 तारीख को जो है इसी महीने में 14 कुंटल बेची है और 2 तारीख को 84 कुंटल, 98 कुंटल। सुमित्रा है अभी इसी महीने में 14 तारीख को 86 कुंटल बेची है। लक्ष्मीना है आपकी गांव की 71 कुंटल बेची है। भोजाई विश्वकर्मा है, भोजाई विश्वकर्मा भोजाई हमारे गांव में कोई है ये नहीं है, 80 कुंटल धान बेचे हैं। इतना इतना धान हमें लाता बल्ले रही बैठे के। दिनेश प्रजापति हैं 84 कुंटल बेचे हैं। दिनेश प्रजापति 84 कुंटल बेचे हैं। सब अस्सी पार है। मंजू देवी हैं 83 कुंटल बेची हैं। सब प्रार है। राजकुमारी 83 कुंटल बेची हैं। दीनानाथ यादव 83 कुंटल बेचे हैं। दीनानाथ यादव हिंदापुर में है ये नहीं है कोई। हेमधापुर के ब्रह्मा 14 जनवरी को 82 कुंटल धान उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ यूपीएसएस के जादोपुर क्रय केंद्र पर बेचते हैं। फिर यही ब्रह्मा 15 जनवरी को यूपीएसएस के पिपराइच नगर वाले क्रय केंद्र पर 86 कुंटल धान बेचते हैं, यानी कि ब्रह्मा ने 168 कुंटल धान सरकार को बेच दिया। सरकारी आंकड़े चीख चीख कर दावा करते हैं कि हेमदापुर के ब्रह्मा ने सिर्फ 2 दिन में 168 कुंटल धान सरकार को बेच दिया, लेकिन सच यह है कि
कि हेमधापुर में ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। एक ब्रह्मा थे भी तो वह अब स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनके परिवार की हालत यह है कि बहुत मुश्किल से खाने भर का धान पैदा हुआ है। इसी तरह हेमधापुर की ममता देवी, राम दुलारे, राम कुमार, मीरा, सुमित्रा, लक्ष्मीना, भोजाई विश्वकर्मा, दिनेश प्रजापति, मंजू देवी, संदिरा देवी, राधे श्याम, अजय कुमार प्रजापति, अनिल सिंह, जितेंद्र जैसे कई नाम हैं जिन्होंने यूपीएसएस के जादोपुर और पिपराइच नगर क्रय केंद्र पर अपना धान बेचा है। हमारी टीम ने हेमधापुर के गली गली में घूमकर इन लोगों की तलाश की, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग नहीं मिले। कुछ लोग मिले भी तो उनका दावा था कि उनके खेत में खाने भर का धान पैदा नहीं हुआ है, तो वे सरकार को कैसे बेचेंगे। अच्छा और जितेंद्र बताओ लोगों जगह खेत ज्यादा होगा। हाँ हाँ, पर भाई गए, सौ भाई गए।